हाय गाइस तो मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या हुआ एक्चुअली ना सोफ़ी नीचे गई हुई थी क्योंकि जब हमारे घर में झाड़ू पोछे का काम होता है ना तो इसे मैं नीचे बांध के आ जाती हूँ गेट के पास क्योंकि ये ना आ, ना झाड़ू लगाने देती है ना पोछा लगाने देती है मेट को तो मैंने इसे नीचे बांध दिया और ये ना पूरी गंदी हो गई तो इसने क्या किया जमीन पे पूरे लेट लेट के ये गंदी हो गई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई तो मैंने इसे आज मौसम दुर्ग का उतना अच्छा नहीं है बट इसको नहलाना बहुत जरूरी था कि बहुत गंदी हो गई थी तो मैंने इसे नहला दिया फिर ड्रायर से मैंने इसे सुखाया टॉयल से बहुत अच्छे से पोछा तो से ये मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है और इसका रिएक्शन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा रिएक्ट कर रही है मीन्स बहुत गुस्सा दिखा रही है यहां पर बैठी हुई है सोफी और जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में बैठी हुई है आप देख सकते हो इसका फेस भी कैसा बना हुआ है सोफी देख बेटा इधर इधर देखो सोफी देख रहे हो इसका रिएक्शन देखो कैसे आंख से इधर तीचा तीछा देख रही है सुन भी रही है बट कोई रिएक्ट नहीं कर रही सोफी देख इधर इधर देख अब नहीं, नहीं लाऊंगी ठीक है अब नहीं नहलाऊंगी तेरे ठीक है अब नहीं नहलाऊंगी लाऊंगी सच्ची नहीं नहलाऊंगी लाऊंगी तेको ठीक है तू क्यों गंदी हुई हुँ? क्या जरूरत थी गंदी होने की तेरे को क्यों गोल गोल घूम रही थी जमीन में तू चल ठीक है अब नहीं नहलाऊंगी लाऊंगी तेको ठीक है ठीक है सोभी अब नहीं नाऊ नाऊ करना तू ठीक है <laughs> तो गाइस देख रहे हो इसका रिएक्शन देखो कितने गुस्से से देख रही है ये एक्चुअली ये ऐसे कभी चुपचाप बैठती नहीं है जब से मैंने इसको सुखाया है तब से इसका रिएक्शन यही है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है मेरी बातों पे। तो आज तो सो हमारी सोफी बहुत गुस्से में है अब उसको जब खाना दे देंगे तो ही शायद वो नॉर्मल होगी नहीं तो उसका फेस ऐसा ही बना रहेगा या फिर जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब इसका मूड थोड़ा सा सही होगा क्योंकि ये मुझे गुस्सा दिखा रही है तो अभी के लिए बाय बायस